फिट। तैयार है यहाँ पे, हेलमेट तैयार है, तो जाहिर सी बात है एक मोटो व्लॉग होने वाला है। मुझे ये सेटअप करने में लगभग आधा घंटा लग गया आज, क्योंकि सामान सारा इधर उधर हुआ हुआ था। काफी दिन हो गया मोटो व्लॉग करे हुए। जाहिर सी बात है, जब हम जैसे लड़के सामान को इकट्ठा एक जगह नहीं रखेंगे तो खोएगा ही खोएगा। सेटअप करने के चक्कर में मैं ये भूल गया कि मुझे नहाना भी है, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है। तो मैं नहाता हूँ, फिर बताता हूँ क्या है क्या नहीं है, क्या सीन है। तो भैया ये है एक सैनिटाइज़र की बोतल जिसको मैंने स्प्रे में कर दिया है, देख रहे हो भैया, ये अपना हैंड सैनिटाइज करने के काम आएगा। और ये है कुछ पेयर ऑफ रुमाल, और ये हूँ मैं, मास्क पहन लिया है। हाय, एक दिक्कत हो गई है यार, बताता हूँ अभी। सही है, ये दिक्कत होती है जब इतने दिन बाद जीन्स पहनते हैं ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अभी तक तो 2 महीने शॉर्ट्स में रहे हैं घर में नॉर्मली। तो हम चल रहे हैं चांदनी चौक, जहाँ पे मेरा अपना जो शॉप है वो है। अर्जेंट काम है, कुछ कस्टमर्स को मुझे अर्जेंट डिलीवरी देनी है, तो उसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और यार जाना तो सही है, पैसा कहाँ से आएगा। लगभग 11 बज गए हैं और पापा बुला रहे हैं, जल्दी से जाना पड़ेगा क्योंकि जल्दी से काम निपटा के घर पे वापस आना है। तो चलते हैं, अपने मोटो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो भैया निकल गए हैं घर से, लाल क्वार्टर किशनगर का मार्केट है, सारा ही खुला पड़ा है और लोग घूम रहे हैं। फिलहाल काफ़ी दिन बाद घर से निकला हूँ, छोटे मोटे कामों के लिए निकलते रहते थे, पर इस मार्केट में काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। तो भाई जैसा बता रहा था मैं, भीड़ काफ़ी उमड़ गई है यार। ये झील का मार्केट है, जो कि वन ऑफ द मेन मार्केट्स है ईस्ट दिल्ली में। यहाँ पे सारे छोटे मोटे सामान प्लस मसाले वसाले मिलते रहते हैं। ये मानना है कि फिलहाल 31 तक कंप्लीट लॉकडाउन रहना चाहिए था, क्योंकि मैक्सिमम केस इन्हीं दिनों में आएंगे। अब एक तो हमारे लेबर्स जो ट्रांसफ़र हुए हैं अपने अपने शहरों में, प्लस जो खुला था पीछे ठेके वेके नॉन शराब के, तो केस अब आने शुरू होंगे। शायद ये पीछे जो स्कूल गया है उसमें खाना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तभी ये लोग खाना लेके यहाँ से जा रहे हैं। ये देखिए ये बच्चे छोटे छोटे। गर्मी बहुत है यार, बहुत गर्मी है, 42 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर है। और जो गर्म हवा के थपके है ना, वो सामने से आके लग रहे हैं। शांतिवन ऊपर से राइट, नोएडा लक्ष्मी नगर ITO सीधा, यानी हमें ऊपर जाना है। बहुत जल्दी है भाई, बहुत जल्दी है। इसको इसको लेके जाओ, साले को पकड़ के, देख रहे हो यार कितनी जल्दी है इसको, जैसे यही सबसे पहले पहुंचेगा। सही में लोगों को 2 महीने में जो चलाने की सेंस है ना, वो बहुत ही ख़राब हो गई है। पीछे 2 बारी देख लिया, अब एक इस बंदे को देखा। ISBT के लिए लेफ्ट और राजघाट के लिए सीधा। तो भैया रेड लाइट पे पहुंच गए हम, काफ़ी दिन बाद, 2 महीने बाद एक रेड लाइट का नज़ारा देखने को मिला है। ये राजघाट वाली जो रेड लाइट है वो है, लेफ्ट साइड में राजघाट पड़ जाती है, शांतिवन पड़ जाती है, और आगे अपना जो मेन रोड जा रही है वो चांदनी चौक के लिए हमें सीधा ही जाना है। हरी बत्ती हो गई है, निकलते भाई। भाई साहब, भाई साहब लेफ्ट टर्न लेना है तो इंडिकेटर दे दो, नींद में चला रहा था भाई ये तो। एक और रेड लाइट आ गई है, पर शुक्र है कि थोड़ी छोटी है ये, 18 सेकंड। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, यहीं पे रोक लो। एक्चुअली क्या होता है, लोग ना कभी कभार, वैसे तो फाइन है, पर शीशा नीचे करते हैं गाड़ियों से और थूक देते हैं, तो उससे बचाव करने के लिए थोड़ा गैप बनाना बहुत ज़रूरी है। चलो चलो, ये वाली रेड लाइट भी खुली। ओ भैया मारेगा क्या, देखो बस वालों के क्या हाल है। लेफ्ट में आएगा मेरे जामा मस्जिद और राइट में आएगा रेड फोर्ट। ये देखो यार जामा मस्जिद, और इस तरफ जो है मेरे राइट हैंड साइड की तरफ रेड फोर्ट आएगा। ये रहा, ये सब आप निकलो, आप निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई देश के झंडे को सलाम। ये है भागीरथ पैलेस मार्केट, और यहाँ पे तो होना ही है कुछ ना कुछ, क्योंकि इतना जो ट्रैफिक है ये नॉर्मल रहता है यहाँ पे। जब कोरोना वायरस नहीं था जब भी इतना ट्रैफिक था, और आज मैं आया हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इलीगल पार्किंग हो रखी है सारी, इससे पता लग रहा है कि लोग कितना आ रहे हैं यहाँ पे। बुरा हाल है भाई यहाँ का तो। भाई साहब गाड़ियाँ देख रहे हो, गाड़ियाँ कितनी गाड़ियाँ भाई, कितना बंदा आया हुआ है इस समय। लेफ्ट लेना है हमें, और ये है हमारा राइट हैंड साइड पे जो बाउंड्री देख रहे हो आप, कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट।
इंडिकेटर दे दो, ये भी बंद कर रखा है इन्होंने, ये रास्ता भी बंद कर रखा है, ये करना क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। आगे से ट्राई करते हैं भाई जाने के लिए। देखो तो यहाँ से भी रास्ता इन्होंने बंद कर रखा है, शायद यहाँ से खोल रखा है, लोग जा रहे हैं, पूछता हूँ इनसे। सर अंदर जाने के लिए कौन सा रास्ता है अंदर जाने के लिए? अच्छा ठीक है ठीक है, वो जो क्लोथ मार्केट वाला है तो वही है भैया, जुगाड़ू रास्ते से ही जाना पड़ेगा भाई। जैसे जैसे मार्केट के क्लोज आ रहे हैं ना, दिल की धड़कनें तेज हो रही है भाई। ये फल मार्केट चांदनी चौक की ये हालत है हमारी चांदनी चौक वाले एरिया की भाई, देख रहे हो आप। यहाँ से नीचे उतरेंगे, भैया ये है अपनी छोटी सी दुकान, अपनी शॉप, अपना कार्यालय। थोड़ा सांस चढ़ रहा है, सांस जो है ना बेसिकली 2 वजह से चढ़ रहा है, एक तो मास्क पहन रखा था और एक जो इतना सारा अपना स्टॉक है वो देख के इतने टाइम बाद थोड़ा अजीब सा लग ही रहा है। जब सीजन चल रहा था यार तो ये सब चीज़ें हमारे लिए कुछ भी नहीं होती थी, ये मतलब लिटरली 1-2 महीने का माल, 1-2 महीने भी ज़्यादा कह रहा हूँ, महीने भर का माल होता था ये और उस समय निकल जाता था सब कुछ। पर अब आधी आइटम्स तो ऐसी है जिनके रेट मैं भूल गया हूँ, अब वो तो कंप्यूटर पापा बता ही देंगे। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे पैक करता हूँ, जो ऑर्डर्स हैं मेरे पास वो निपटाता हूँ, फिर नीचे चलते हैं। पापा के पास भी कुछ ऑर्डर्स हैं तो पापा अपने ऑर्डर्स कंप्लीट कर रहे हैं, एक स्टाफ मेंबर आए हैं उनके साथ मिलके। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो बाहर वाला चांदनी चौक है उसकी हालत बता देता हूँ। न्यूज़ ये है कि फ़िलहाल 31 तारीख तक कुछ नहीं खुलेगा। अगर आपके पास कुछ लिंक्स हैं अपने, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं तो अपने, जिनसे आप कलेक्ट करते हो सामान, जिनसे आप बाय करते हो, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वो अगर चाहें तो आके खोल सकते हैं अपनी शॉप, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो लेट्स गो, पैकिंग स्टार्ट करते हैं, फिर पापा के पास चलते हैं। तो यार वो देखो नीचे चल रहा है सारा पैकिंग का काम और मैं ऊपर यहाँ पे जो हमारा दुछत्ती कहते हैं उस पर खड़े होकर माल निकाल लूँ। जो जो एरिया स्कूल का है वहाँ से हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं और हम कोशिश करके कि आज ही आज मैं उनका निकाल दें, क्योंकि अगली बार हमें नहीं पता कि कब खुलेगी या कब मैं आऊँगा। तो सबके ऑर्डर्स मैं आज निकाल रहा हूँ। जो हमारे स्टाफ मेंबर आए हैं उनका हमने चेकअप कर लिया है, मतलब टेम्परेचर चेक कर लिया है, प्लस उनको अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। अब बस एक ही काम है, जल्दी से इनके ऑर्डर निकालो और घर चलो, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है और मेरा मन ये भी कर रहा है कि थोड़ा बाहर का आप लोगों को दिखाऊँ क्या सिनेरियो है। तो जल्दी से पैक करता हूँ और फिर बाहर चलेंगे, उसके बाद अपने घर की तरफ उड़न छू जाएंगे। तो यार मैं चल रहा हूँ चांदनी चौक की उन गलियों में जहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी और आज सब बंद पड़ा है। इवन आउट का सिस्टम यहाँ पे कर दिया है, 1-2, 1-2 के हिसाब से। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। इस समय मैं हूँ जो नई सड़क का चौराहा है वहाँ पे, सारा सुनसान पड़ा है एरिया। सामने की तरफ फतेहपुर मस्जिद है, इधर आगे चल जाएंगे तो गुरुद्वारा आ जाएगा और यहीं पे है नई सड़क। मुद्दे की बात यह है कि यार खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल, ये जहाँ पे जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पैर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती थी। लग रहा होगा रिपोर्टर हूँ पर रिपोर्टर नहीं भाई, कोशिश पूरी है। सामने देखो उस तरफ सारा नई सड़क है, तो और मेरी समझ से कुछ बताने लायक या दिखाने लायक है नहीं। आओ तो पता करके आओ कि यहाँ पे किसकी शॉप खुली है किसकी नहीं खुली। कुछ लोग अंदर से भी सप्लाई कर रहे हैं, बस वही वाली बात है कि रिस्क वाला जो फैक्टर है वो आ ही जाता है। तो मेरा काम लगभग कंप्लीट होने वाला है, मैं पता करने आया था कि जो ट्रांसपोर्ट पे ले जाते हैं वो लोग डिलीवरी ले रहे हैं कि नहीं। तो मेरा पार्सल चले गए हैं आज के और मैं चलता हूँ, बस घर जाना है, हो गया भाई आज का। तो भैया पहुँच गया था 3 बजे घर पे, उसके बाद आके सो गया, बीच में नहाया भी और अपने आप को सैनिटाइज भी किया क्योंकि काफ़ी ज़रूरी था। मुझे ऐसा लगता है कि चांदनी चौक इतना बड़ा एरिया है, एक काफ़ी बड़ा हमारे इंडिया में जो है टेक्सटाइल मार्केट है, तो वहाँ पे जो इंतजाम करने चाहिए थे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं करे हैं। गवर्नमेंट ने नहीं करे हैं तो आपको तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप जा रहे हैं चांदनी चौक तो अपने प्रिकॉशंस पूरे लीजिए, कैरी अ मास्क, सैनिटाइजर रखिए अपने साथ, और सबसे बड़ी बात है जो आज मैंने देखा जो नहीं हो रहा था वो था सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भी कोई फॉलो नहीं कर रहा था, मेंटेन नहीं कर रहा था। इवन जो ऑटोज थे, ऑटो रिक्शाज थे और प्लस जो अपनी बैटरी रिक्शाज थी उसमें भी लोग
अपने अंधाधुंध तरीके से बैठ रहे हैं भाई। अब जब बैठोगे तो फिर केसेस तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ना मैं रोक सकता ना कोई और रोक सकता ना भगवान कुछ कर सकता, तो उस चक्कर में आपको खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा। मेरे से भी एक गलती रह गई, आगे से पापा को नहीं लेके जाऊंगा, डेट वॉज अ मिस्टेक फॉर मी। पर मैं भी क्या करता यार, वो अब समझ सकते हो पेरेंट्स का। बात ये भी है कि अगर आप चांदनी चौक जा रहे हो, चांदनी चौक की क्या कोई भी अलग मार्केट आप परचेजिंग के हिसाब से जा रहे हो, तो जिनसे आप परचेज करते हो पर उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि यार आपकी शॉप खुली है, आप डिलीवरी कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि रास्ते बहुत जगह से बंद हैं। खामखा जाओगे फिर वापस आ जाओगे तो उससे कुछ फायदा नहीं है। तो आज के व्लॉग के लिए यार इतना ही रखेंगे, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ और थोड़ा रेस्ट करना चाहूंगा। बस डर तो है मन में यार, व्यापार जो है बिजनेस जो है उस पर तो काफी इम्पैक्ट पड़ा ही है। तो चलते हैं यार, जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। दिस इज रिशेडर साइनिंग ऑफ फॉर द डे।